ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। भारत के लिए पीओके क्यों है अहम? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक स्वशासित प्रशासनिक इकाई है जो अशांति के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चीन द्वारा शुरू की गई चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC पहल के कारण इसमें तेजी आई। हालांकि कश्मीर घाटी में पहले भी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, लेकिन यहां देखी जा रही अराजकता उतनी गंभीर है जितनी कि वास्तव में 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद हुई थी, जिसमें अब तक लगभग 9,000 घायल और 100 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य में गुमराह युवाओं के बीच बेचैनी कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश हिस्सा तो आतंकवादी है। वे अक्सर अराजकता का सहारा लेते हैं, जैसे पथराव या पुलिस सुरक्षा बलों पर हमला, सेना पर हमला करना। वास्तव में POK या गुलाम कश्मीर वृहद कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। POK का क्षेत्र भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पश्चिम में स्थित है, जो पहले जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में कश्मीर पर भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। पुनः यह क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जिसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के रूप में संदर्भित करते हैं। यह क्षेत्र दक्षिण में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पश्चिम में खैबर पख्तूनवा प्रांत से घिरा है। अपनी सुरक्षा और स्थिरता के संबंध में गिलगित बाल्टिस्तान के संवेदनशील भू राजनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारत क्षेत्र को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के रुख का कड़ा विरोध कर रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान के संबंधों में कड़वाहट भी आई। एक प्रांत के रूप में गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अपने प्रांत के रूप में एकीकृत करना बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कश्मीर के साथ इस्लामाबाद का संबंध टूट सकता है। ऐसा माना जाता है कि POK का एक हिस्सा हासिल करने वाला पाकिस्तान भारत के लिए एक स्थिर मिसाल कायम कर सकता है, और अगर वह जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्ण एकीकरण के संदर्भ में सोचने का फैसला करता है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान में एकीकरण भारत के भीतर जम्मू कश्मीर के भारत संघ में पूर्ण एकीकरण की वकालत करने वाले समर्थकों को एकजुट करने के लिए बाध्य है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की भारत विरोधी परियोजना की जीवन रेखा बनी हुई। POK पर अपना पूर्ण नियंत्रण जताने के बाद पाकिस्तान ने सभी विभत्स और जघन्य मुसीबतों को बढ़ावा देना शुरू किया, और यह आज भी जारी है। जब तक गिलगित बाल्टिस्तान समेत POK में पाकिस्तान पर दबाव नहीं होगा, इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर में अपने चल रहे तौर तरीकों में सुधार नहीं करेगा। दुर्भाग्य से आज यह क्षेत्र इस्लामाबाद के रणनीतिक लक्ष्यों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में खड़ा है। दशकों तक शासन की क्षणिक संरचनाएं सौंपे जाने के बाद यह क्षेत्र बाद में AJK और पाकिस्तान के बीच झगड़े का विषय बन गया। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल करने से इस क्षेत्र का भारत का दावा काफी हद तक कमजोर हो सकता है, लेकिन यह इसे पूरी तरह से हटा नहीं सकता, क्योंकि गैर कानूनी समावेश के बावजूद भारत POK के दोनों हिस्सों पर अपने दावों को और अधिक मुखरता से कायम रखना जारी रखेगा, जैसा कि वो करता रहा है। हालांकि घरेलू मोर्चे पर POK पर भारत की नीति को शुरू से मुखर होने के रूप में कहा जाता है, लेकिन इसे PM मोदी ने बदल दिया है। POK से संबंधित मुद्दों को साहसपूर्वक उठाते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी उन नियमों को फिर से मानने के लिए तैयार है। हाल ही में चीन क्षेत्र में आक्रमणता के कारण गिलगित बाल्टिस्तान को भारत की रणनीतिक गणना में काफी ऊपर उठाया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।